Good evening, everyone. Welcome to Noon Academy. I'm Vivek Mishra. कैसे हैं आप सब? Hi Revati. Hi Sohel. Hello Aman. Everyone, आप लोग क्वेश्चन बैंक का सेशन ज्वाइन किया? आप लोग क्वेश्चन बैंक ज्वाइन किए 3 o'clock को जो लेक्चर रहता है? अमन, सोहेल, हेलो श्रद्धा, ज्वाइन कर लो क्वेश्चन बैंक का सेशन. क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हो रेवती? कल कितनी बार बोला था, उसका लिंक मैंने नून के ऐप पे पोस्ट किया हुआ है, आप उसमें जाके फीड में देख सकते हो. फीड में आपको बहुत जगह उसका पोस्ट लिंक मिल जाएगा. आज एक लेक्चर स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट लेक्चर हो गया. नून के ऐप में जाओ, फीड में, फीड में आपको लिंक मिलेगा इसका, क्वेश्चन बैंक का. ओके, यस क्रेवती, आज ज्वाइन कर लो तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तब याद आएगा कि ज्वाइन करना. हेलो तृप्ति, हाय जागृति. ओके, तो आज का हमारा सेशन एवरीवन लाइन चैप्टर पे है. लाइन चैप्टर का हम लोग सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. ये हमारे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेक्चर्स हो रहे हैं, उसका टाइमिंग है. सुबह 6 बजे बायोलॉजी का सेशन रहता है, 6 से 7:30. फिजिक्स का 7:30 से 9 रहता है. फिर मैथ 2 का 3 से 4 रहता है. फिर केमिस्ट्री का 8:30 से 9:30 है. और उसके बाद फिर मैथ 1 का 9:30 से 10:30 है. ओके एवरीबडी, सो स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन आज का. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. हाय दिव्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन मतलब एक पॉइंट है और ये एक लाइन है. इस पॉइंट का, इस लाइन से मुझे डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या मान लोगे? अल्फा मान लो. हाय अनु, इस पॉइंट को आप क्या मान लो? अल्फा मान लो. और यहां पे ये लाइन को मान लो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार. तो आपको ये जो डिस्टेंस बिटवीन लाइन है वो मिल जाएगा. कैसे मिलेगा डिस्टेंस? फॉर्मूला है उसका अपने पास. डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी बार द होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अगर आप ये लिखते हो फॉर्मूला तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा. जब हम लोग अभी इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा. कल मैंने इसका पूरा एग्जाम्पल लेके एक एक्सप्लेन किया था इस फॉर्मूले को. हाय जिज्ञासा, ठीक है एवरीबडी, कंटिन्यू करें आगे. इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में और आ जाएगा. तो अभी आज फिलहाल ये फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन. नाउ व्हाट इज स्क्यू लाइन? डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस. देखो, स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी लाइंस होती हैं जो कि ना तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो, या तो ना तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना तो पैरेलल है. इज दिस क्लियर? यूसरा, आप लेट नहीं हो, अभी जस्ट स्टार्ट किया. एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्क्यू लाइंस मतलब, स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल टू ईच अदर. दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. ना तो एक दूसरे को पैरेलल है ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग है. मतलब कैसे मालूम है? सपोज आपके पास एक बॉक्स का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ. एक बॉक्स लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा मैं. सबको यहाँ पे क्यूब दिख रहा है? सबको यहाँ पे क्यूब दिख रहा है क्या? यस, ओके. अब अगर एक लाइन इधर रहे, फ्रंट वाले प्लेन पे रहे, फ्रंट वाले प्लेन पे, और एक लाइन इधर टॉप वाले प्लेन पे रहे, तो क्या ये दोनों लाइन्स कोप्लेनार कहे जाएंगे? नो, कोप्लेनार नहीं कहे जाएंगे. वेरी गुड,
वेरी गुड एवरीबडी। क्यों कोप्लेनार नहीं कहे जाएंगे? क्योंकि ये दो अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल सा आंसर है ना, मैं कोई बहुत तूफानी बात तो कर नहीं रहा हूँ, एकदम सिंपल सा आंसर है कि सर आपने जो दोनों लाइंस ड्रॉ किए हैं दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं और कोप्लेनार का डेफिनेशन ये है, यस दे आर लाइंग ऑन अलग अलग प्लेन, दैट्स राइट, तो दे आर लाइंग ऑन डिफरेंट प्लेन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों लाइन्स एक प्लेन पे लाई करते, अब अगर मान लो दो लाइन्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, अगर दोनों लाइन्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो क्या ये दोनों पैरेलल या इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं? इनका होने का चांसेस अलग अलग ये ज्यादा है कि कम है एक प्लेन पे लाई करने के कंपेरिजन में? अभी बहुत ज्यादा है, मतलब 100% ये इंटरसेक्ट होगा ही। अगर मैं ग्रीन वाली लाइन को एक्सटेंड करा, ग्रीन वाली लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो वो पर्पल वाली लाइन से इंटरसेक्ट होगा, करेक्ट है? अगर मैंने ग्रीन वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया तो पर्पल वाली एक्सटेंड किया तो पर्पल वाली लाइन से इंटरसेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करता हूं, जैसे आप देख सकते हो ग्रीन वाला लाइन और पर्पल वाला लाइन दोनों डिफरेंट प्लेन्स में है, तो ये तो ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं ना तो एक दूसरे को पैरेलल रहने वाले हैं। तुम बोलोगे सर कैसे, तो मैं बोलूंगा ऐसे, ये ऐसे ऊपर से चला जाएगा, ये देखो ये ऐसे ऊपर से चला जाएगा और ये इधर उसके नीचे से चले जाएगा। तुम बोलोगे सर ये देखो इधर तो इंटरसेक्ट हुआ पर ये उसके नीचे है और ये ऊपर है, दोनों के बीच में गैप है, अभी मैं उस स्क्रीन पे कैसे दिखाऊं? अरे स्क्रीन तो टू डायमेंशन है ना मेरे भाई, आप बात समझ रहे हो मेरी एवरीवन? एक पर्पल वाली लाइन ऊपर ऊपर जा रही है और ग्रीन वाली लाइन नीचे नीचे जा रही है, अब जब दोनों के मैं नीचे जाऊं तब तो दिखाऊं कि दोनों के बीच में गैप है, फील करना पड़ेगा। दैट्स राइट, इस बात को हमें फील करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में गैप है। अभी इमेजिन कर सकते हो आप इस चीज, तो जब दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन और पैरेलल कुछ नहीं रहेगा तो उसको कहेंगे स्क्यू लाइंस। समझ में आया क्या? बोलो अब एक लाइन है आर बार इज इक्वल्स टू स्क्यू लाइन, सबको एकदम क्लियर 100% समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो, इसका इक्वेशन लिख लो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार ए वन बार प्लस लैमड़ा बी वन बार। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछो, एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करना मैं उसको सही नहीं मानता हूं, आप आके चैट बॉक्स में पूछो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्क्यू मतलब जो ना इंटरसेक्ट करे ना कोप्ले और ना पैरेलल हो, और ऐसा होने के लिए उनको नॉन कोप्लेनार होना पड़ेगा, जिज्ञासा नॉन कोप्लेनार होना ही पड़ेगा। चलो आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैमड़ा बी वन बार, दूसरा क्या हो जाएगा आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार प्लस लैमड़ा बी टू बार, ये दूसरा लाइन हो गया। दोनों के बीच में हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए एवरीवन, दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हाय नरेंद्र, यू वांट टू से समथिंग नरेंद्र, शुड आई अनम्यूट यू? आपको अनम्यूट करूं मैं, कुछ कहना है आपको? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें यार फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, हम भूल जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बच्चों, भूल जाते हैं इसके। ए टू माइनस ए वन बार डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, इसको अभी फिलहाल देख लो ऐसे ही, आपको मैं जब सम सॉल्व करवाऊंगा तो सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको फॉर्मूला, ठीक है? हाँ तो वही बात है ना, इतना बड़ा है तो भूल जाएगा, सही बात है। तो पीयू ग्रीन वाली लाइन को एक प्लेन पे ड्रॉ किया और पर्पल वाली लाइन को एक प्लेन पे ड्रॉ किया, दोनों लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन पे हैं, और जब दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट और कभी भी पैरेलल नहीं होते तो उसको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये पर्पल वाली और ग्रीन वाली लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। हालांकि बहुत ईजी फॉर्मूला है, ए टू माइनस ए वन बार कर लो, फिर बी वन क्रॉस बी टू कर लो और फिर डिनोमिनेटर में उसका मॉड निकाल लो, बात खत्म। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस हो गया, अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा एवरीवन?
ये भी इजी है, दो लाइंस हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं। एक का इक्वेशन मैं लिख देता हूं, दोनों का मतलब इक्वेशन लिख देता हूं मैं। आर बार इज इक्वल्स टू, अरे यार एक मिनट ना, आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्बडा बी वन बार, और दूसरा क्या है, आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार प्लस लैम्बडा बी टू बार। दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ए टू बार माइनस ए वन बार बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। ये लाइन टॉपिक ही चल रहा है, दूसरा इन कल से स्टार्ट होगा, लाइन का सेकंड एक्सरसाइज है ये। गुड इवनिंग श्वेता, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? तो डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ओके, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है, दो पैरेलल लाइंस है ए वन डॉट बी वन है किया है और ए टू प्लस लैम्बडा बी टू बार है, उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी बार। तुम बोलोगे सर इसमें बी वन बी टू दिया है, पर दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों में बी वन बी टू होगा ही नहीं, खाली बी होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में बी वेक्टर सेम रहता है, तो इसलिए सिर्फ बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। मैंने रिपीट किया अभी, दोनों पैरेलल लाइंस में बी सेम ही रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्यूब वाला कौन सा, ये वाला? ये दो लाइंस हैं, पर्पल कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन है, दोनों एक अलग अलग प्लेन्स पे हैं, तो अगर दो लाइंस अलग अलग प्लेन पे रहेंगे ना तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते और कभी पैरेलल नहीं होते, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। इतना समझा श्वेता? अब अगर आपको दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला है, ए टू माइनस ए वन बार डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहां से, लाइन में दिया रहेगा। इसके पहले का लेक्चर आप देख सकते हो ना, रिकॉर्डेड सेशन। नेक्स्ट एवरीवन, कार्टेशियन इक्वेशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। देखो आपके पास दो कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और दूसरा लाइन क्या दिया रहेगा, एक्स माइनस एक्स एक्स टू अपॉन ए, यहाँ पे ए वन बी वन सी वन लिख दो, ए टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टू, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा एक्स टू माइनस एक्स वन डिटर्मिनेंट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अपॉन रूट ऑफ बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन द होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन द होल स्क्वायर, फिर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन द होल स्क्वायर। ये समझ में आया? अभी इसको समझो मत, समझने से ज्यादा ना इसको ध्यान में रखो, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ, हाय वैष्णवी, एवरीवन, x2 x1 y2 y1 z2 z1, ये क्या गिवन रहेगा अपने को क्वेश्चन में, x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 सारी चीजें गिवन है क्या आपको? ये जो a1 b1 c1 है ये भी गिवन है, a1 b1 c1 गिवन है क्या आपको? a2 b2 c2 गिवन है, यस a2 b2 c2 भी गिवन है, फिर डिनोमिनेटर में जो भी चीजें हैं वो भी गिवन है, तो सारी चीजें दी गई हैं। देखो आप लोग पैनिक मत करना, रिलैक्स मोड से पढ़ो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्या नहीं समझ में आया पीयू आपको? क्या आपको नहीं समझ में आया? ये लाइन में एक्स वन वाई वन जेड वन दिया रहेगा, वहां से यहां पे लिख देना है एक्स वन वाई वन जेड वन। फिर आपको ये देखो एक्स टू वाई टू जेड टू भी दिया रहेगा, तो यहां लिख दो, दोनों को माइनस कर दोगी। फिर ए वन बी वन सी वन लिख दो, ये भी दिया है। ए टू बी टू सी टू लिख दो, वो भी ये देखो दिया है। सारी चीजें लेके डिटर्मिनेंट निकाल दो, बात खत्म। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है पीयू? चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन टू द लाइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री जेड प्लस वन अपॉन माइनस वन। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने बोला है एवरीबडी, स्टार्ट करें क्वेश्चन। बोलो स्टार्ट करें, सब लोग ध्यान दोगे एकदम। एक क्वेश्चन समझ गए ना मेरे दोस्त, सच बता रहा हूं, एक क्वेश्चन समझ गए ना सारा तहलका मच जाएगा, सारा सेकंड क्वेश्चन तो एक चुटकी में सॉल्व होगा, एक चुटकी में सॉल्व होगा। टाइम लगेगा पर तुम कहीं भी अटकोगे नहीं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सब लोग समझ लो। तो मेरे को एक पॉइंट दिया है, क्या पॉइंट दिया है? टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन, वहां से एक परपेंडिकुलर आया है, वहां से एक परपेंडिकुलर आया एक लाइन पे। लाइन का इक्वेशन क्या दिया? एक्स प्लस वन अपॉन टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री और जेड प्लस वन अपॉन माइनस वन पे। हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, इसको मैं एम मान लेता हूँ। मुझे ना ये पी से एम तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? मुझे क्या करना है, ये पी से लेके एम तक का डिस्टेंस निकालना है। ये सवाल सबको समझ में आया यहां तक? अब आप लिखोगे लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहा हूं, सब लोग लिखना शुरू करो। लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने पहले ही कह दिया है पेपर वन में भाई स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और उसका दर्द फिर सामने वाले को नहीं होगा, तुमको ही होगा। लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन टू द गिवन लाइन। एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू लैमडा। से क्यों लिखा मैंने? मैंने इसको लैमडा के बराबर मान लिया। और इसको से क्यों लिखा कि चलो मान लेते हैं कि लैमडा के बराबर है। कल का सेशन अगर याद होगा तो आपको याद होगा एक्स प्लस वन अपॉन टू को मैं लैमडा के बराबर लिख सकता हूँ, वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री को लैमडा के बराबर लिख सकता हूँ और z प्लस वन अपॉन माइनस वन को भी लैमडा के बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, x प्लस वन इज इक्वल्स टू टू लैमडा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू लैमडा माइनस वन। फिर थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री लैमडा, सो y इज इक्वल्स टू थ्री लैमडा प्लस थ्री। फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, z प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा, जेड इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा माइनस वन। यहाँ तक समझ में आया तो एक बार ये एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में नो लिख दो, चैट बॉक्स में नो लिख दो। यूसरा क्या नहीं समझ में आया बोलो फटाक से, अनम्यूट करके बोल दो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। एक और बार, ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। अपना एक लाइन, एक पॉइंट था पी टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन, वो एक लाइन से कुछ दूरी पे था, तुमको उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, लाइन और पॉइंट के बीच का डिफिनेट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि चलो मान लेते हैं कि ये लाइन ने जहां पे अपने, ये पी ने जहां पे अपने लाइन को टच किया उसको एम मान लिया मैंने। तो मैंने बोला लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर का पैर है, फुट यहाँ पे, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा वन टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन को मैंने लैमड़ा के बराबर बोल दिया। अब मैंने पहले रेशियो को लैमड़ा के बराबर लिखा, फिर दूसरे रेशियो को भी लैमड़ा के बराबर लिखा और तीसरे रेशियो को भी लैमड़ा के बराबर लिखा, क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल था तो वो किसी तो कॉमन वैल्यू को इक्वल होगा, तो चलो कॉमन वैल्यू लैमड़ा है ऐसा मान लो, ठीक है? तो अभी ये टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू लैमड़ा और इधर वन को इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू टू लैमड़ा माइनस वन।
सेम ऐसे वाई आ जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 3, और सेम ऐसे जेड आ जाएगा। समझ में आया यूसरा? यस। अब जो तुमको ये एक्स वाई जेड मिला है वो मालूम है कौन है? वो ये एम का कोऑर्डिनेट है। जो एक्स वाई जेड मिला है वो किसका कोऑर्डिनेट है एवरीवन? एम का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो इसी लाइन पे लोकेटेड पॉइंट है, तो वो पॉइंट एम हो सकता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस, वेरी गुड। तो फिर आपको एम का कोऑर्डिनेट मिल गया एक तरह से, लेकिन लैम्बडा के टर्म्स में मिला, एक्चुअल एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स नहीं मिला, लैम्बडा के टर्म्स में मिला। क्या लैम्बडा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है? नहीं, लैम्बडा के टर्म्स में थोड़ी कोऑर्डिनेट चलेगा। तो 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा प्लस 3, फिर उसके बाद -λ-1, ये मेरे को क्या मिला? m का कोऑर्डिनेट मिला। p का कोऑर्डिनेट्स क्या है एवरीवन? p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3,1। डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। इधर p है 2,-3,1, और इधर मेरा लाइन है, और इधर m है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। लाइन का इक्वेशन अपने को दिया है। सुनो एवरीवन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एवरीबॉडी, अगर मैं पीएम का डीआरस निकाल लूं, पीएम का डीआरस निकाल लूं, और ये गिवन लाइन का डीआरस निकाल लूं, ये गिवन लाइन का डीआरस निकाल लूं और पीएम का डीआर निकाल लूं, तो दोनों के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दोनों के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्या बोलते हो? क्यों जीरो होगा? क्योंकि पीएम और अपना लाइन, पीएम और लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या बोलते हो? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पीएम का डीआरस निकाल लूं और गिवन लाइन का डीआर निकाल लूं, जिसका इक्वेशन दिया है ना अपने को, क्या इक्वेशन दिया है? x+1/2, उसके बाद y-3/3 इक्वल टू z+1/-1। गिवन लाइन का डी आर निकाल लू, जो कि इधर ये नीचे डी आर ही तो है, रहती हो, डी आर रहती है। गिवन लाइन का डी आर निकाल लू और पीएम का डी आर निकाल लू और दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो आंसर जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब डी आर मतलब क्या होता है वो मैंने वेक्टर में एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डी आर मतलब क्या होता है एवरीबडी? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? x2-x1, ठीक है, x2-x1 मतलब 2λ-1-2, कॉमा y2-y1। ये देखो x2-x1 किया, डीआरएस का फॉर्मूला ये होता है ना, y2-y1 यानी कि 3λ+3 -3। फिर उसके बाद z2-z1 यानी कि -λ-1 -1। सबको समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? 2λ-3 हो जाएगा, -1 -2 -3 होता है 3λ। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -λ। -1 -1 तो -2 होता है, तो मेरे को डी आर ऑफ पी एम मिल गया। और डी आर ऑफ गिवन लाइन क्या है? डी आर ऑफ गिवन लाइन, ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे रहे थे ना, डी आर ऑफ गिवन लाइन होते हैं। तो क्या हो गया? 2,3,-1। क्या फिर से बताऊं वैष्णवी? ये x2-x1 जो किया, ये आपका x2 है और ये x1 है। x2-x1 करो, 2λ-1 -2, फिर y2-y1 करो तो 3λ+3, और दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +6। और -λ-1 -1, ये देखो ये z2 है और ये z1 है, तो -λ-1 और -1 है, तो क्या हो जाएगा? -λ-2। और डी आर ऑफ गिवन लाइन क्या है? 2,3,-1। ठीक है, अभी समझा वैष्णवी? अब आप क्या बोल सकते हो? पीएम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, देयरफॉर पीएम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो दोनों के डी आर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। देयरफॉर 2λ-3
का डॉट प्रोडक्ट अगर आप 2 के साथ करते हो प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा प्लस 6 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस लैम्बडा माइनस 2 हमेशा 0 आएगा। ये वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये ए बार है ये बी बार है, तो ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर तक समझ में आया? इधर तक समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में आकर नो लिख दो। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, 4 लैम्बडा माइनस 6, 9 लैम्बडा प्लस 18, माइनस 1 इंटू माइनस लैम्बडा क्या हो जाएगा लैम्बडा, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर तक समझ में आया सबको? अब जितने भी लैम्बडा वाले टर्म्स हैं, पीयू क्या नहीं समझा आपको, जितने भी लैम्बडा वाले टर्म्स हैं, 4 लैम्बडा 9 लैम्बडा और लैम्बडा कितना हो जाएगा टोटल बताओ मुझे जरा, 4 लैम्बडा 9 लैम्बडा और 10 लैम्बडा मिलके 14 लैम्बडा हो जाएगा। दैट्स राइट मोनाली। और 18 प्लस 2 20 हो जाएगा एवरीवन, 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, और 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 प्लस 14 हो जाएगा। इस 14 को मैं दूसरी तरफ भेज दूंगा तो 14 लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 14 हो जाएगा, 14 14 कट जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इधर तक समझ में आया लैम्बडा की जो वैल्यू आ गई, उधर तक समझ में आया? ओके दोस्तों, अब आपको जो ये लैम्बडा की वैल्यू मिल गई है ना, ये जो लैम्बडा की वैल्यू मिल गई है ना, उसको ना अब आप इधर अगर m में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो मैंने कहा ना m का कोऑर्डिनेट है, अगर आप ये m के कोऑर्डिनेट में लैम्बडा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो m का कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत बार एक ही चीज को एक्सप्लेन किया ना, इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, लेकिन जो लोग शुरू से अटेंड कर रहे हैं उनको समझ में आएगा। ये देखो ये m का कोऑर्डिनेट है बराबर, ये देखो दिख रहा है सबको m का कोऑर्डिनेट इधर टॉप में, इसमें सब जगह देखो लैम्बडा है। अगर आप ये लैम्बडा की वैल्यू डाल देते हो, यस नोटबुक में क्लियर लिखो, वेरी गुड यार आदिल, क्या बात है, दिल जीत लिया मेरे भाई, नोटबुक में क्लियर लिखो। यहाँ ना स्पेस शॉर्ट रहता है यार, मैं क्या करूँ, एक तो सब अलग अलग पेज पे ले जाके एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ से वहाँ डेटा कॉपी करने में रॉन्ग हो जाता है बहुत बार। अब इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेनेशन बेस्ट वे में कर रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान दो प्लीज, और छोटी मोटी बातों को प्लीज थोड़ा इग्नोर करना। ये देखो ना यार, इधर लैम्बडा की वैल्यू है, लैम्बडा की वैल्यू को अगर मैं इधर डाल देता हूँ एम में, तो क्या मुझे एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो मेरा पहला सवाल तो खत्म हो गया इधर ही कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो मैं अभी एम को एक बार लिखता हूँ, एम क्या है मेरे पास, 2 लैम्बडा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्बडा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्बडा माइनस 1, मेरे को लैम्बडा की वैल्यू 1 आई है, वो मैं इधर डाल दे रहा हूँ, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कॉमा 3 इंटू 1 प्लस 3 कॉमा माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा एवरीवन। हाँ देखो मैंने क्या गलत लिखा, समझ गए सब लोग, यही होता है जब दूसरे पेज पे जाओ ना, तो वो साइन इन कुछ ना कुछ तो गलत कॉपी होता ही होता है, ये माइनस 1 है। However, I have to be careful. ऐसा मैं इसका एक्सक्यूज तो नहीं दे सकता, I have to be careful. ठीक है कोई बात नहीं, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो m का कोऑर्डिनेट सब लोग ने राइट लिखा है, माइनस 3 कॉमा 0 कॉमा 0, वेरी गुड एवरीबडी, वेरी गुड श्वेता, अनु, रोहिणी, आदिल, मोनाली, अपेक्षा, एम का कोऑर्डिनेट मिल गया एवरीबॉडी। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा, अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप लोग पूछोगे। अच्छा सुनो, इसने क्या बोला कि तू मेरे को पी और एम, एम का कोऑर्डिनेट भी निकाल के दो, ठीक है, मेरे को पी से एम का कोऑर्डिनेट भी निकाल के दो और उसका लेंथ भी निकाल के दो। तो अभी हम लोग लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, छोटी सी बात है,
छोटी छोटी बातें हमें पसंद नहीं, अपने को निकाल सकते हैं। एम आ ही चुका है, पी अपने पास कितना है, पी अपने पास है 2, -3, 1। तो चलो फिर डिस्टेंस पी एम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस पी एम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर। इसको x2 y2 z2 मान लो, इसको x1 y1 z1 मान लो, और यहाँ पे एकदम शांत दिमाग से सब्सटीट्यूट कर दो। कितना आ जाएगा, 25 + 9 + 1, मंजे कितनी आला, √35 आला। डिस्टेंस पी एम वी हैव गॉट √35 यूनिट। एनी डाउट, बोलो बोलो, एनी डाउट? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। आप मेरे को बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। सेम है तो बस, तो फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। नथिंग इज विजिबल। अब आया आदिल, दुर्गेश अभी भी नहीं आया, कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आया, क्वेश्चन ही आएगा, मतलब अभी सोल्यूशन लिखना बाकी है। दुर्गेश अभी आया रहेगा मोस्टली। या चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो इसको मैं लिख दूंगा, लेकिन इस बार इन लोगों ने कैसा इक्वेशन दिया आपने को, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया ना, कोई बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म में भी दिया है तो चलेगा। स्टार्ट करते हैं। लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मेरे साथ में सब लोग सॉल्व करो, पता है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जो आपको कभी ऐसा मूड नहीं बनता ना प्रैक्टिस करने का, अभी करो ना, अभी बता दो ना। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2i - j + 5k, आर बार इक्वल टू 11i - 2j - 8k। दोनों के इक्वेशन में फर्क है लेकिन, है ना, एक वे वेक्टर फॉर्म में दिया और दूसरा वाला कार्टेशियन में दिया था। तो मतलब आपके पास एक लाइन है, ये पॉइंट है, पॉइंट आपको दिया हुआ है कितना, 2i - j + 5k दिया है। यहाँ पे आपको लाइन दिया हुआ है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार। इधर एम है, एम अपना वही एक्स वाई जेड रहेगा, बेचारा गरीब है बहुत, ठीक है। आर इज इक्वल टू, आप क्या करो, ये लैमड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 11i - 2j - 8k + 10i - 4j - 11k। अब क्या करो मालूम है, लैमड़ा अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ना आई आई वालों को साथ में ले लो, और इधर जो आर बार है ना उसको ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दो। तो इधर कैसे आ जाएगा, 11 + 10i, फिर उसके बाद प्लस -2 - 4j प्लस -8 - 11k। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, प्लीज रिप्लाई। मैंने क्या किया, मैंने देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने ना लैमड़ा यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया तो लैमड़ा सबके पास चले गया, फिर मैंने ना आई आई वाले बंदों को साथ में लिया तो 11i + 10i, तो आई कॉमन चला गया। अब आप मेरे को बताओ, अब अगर आप आई वाले को आई वाले से कंपेयर करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 11 + 10i। वाई वाले को कंपेयर करोगे तो -2 - 4i, और जेड वाले को कंपेयर करोगे तो -8 - 11i। ये आपको मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, आपको एम का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, 11 + 10i कॉमा -2 - 4i कॉमा -8 - 11i। जैसे पहले अपने को लैमड़ा के टर्म्स में मिला था ना, अभी फिर से मिल गया। सुन रहे हो सब लोग, पहले भी तो अपने को लैमड़ा के टर्म्स में मिला था ना, अभी फिर से लैमड़ा के टर्म्स में मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकालने सबको आ जाएगा, कैसे, ये आपका x2 y2 z2 मान लो,
और इसको एक्स वन वाई वन जेड वन मान लो, तो एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो मैं ना अभी इधर एम का कोऑर्डिनेट एक बार फिर से लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एम का कोऑर्डिनेट अपने को क्या है उसको मैं फिर से लिखता हूँ। एलेवन प्लस टेन लैम्डा कॉमा माइनस टू माइनस फोर लैम्डा कॉमा माइनस एट माइनस इलेवन लैम्डा। बस चेक करना यही है, एलेवन प्लस टेन लैम्डा माइनस टू माइनस फोर लैम्डा माइनस एट माइनस इलेवन लैम्डा, करेक्ट। और पी का भी कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, जो उसका वेक्टर इक्वेशन दिया वही उसका कोऑर्डिनेट है, माइनस टू कॉमा माइनस वन कॉमा फाइव। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ, फिर हम लोग पी एम बार इक्वल टू एम बार माइनस पी बार कर सकते हैं। वैसा करने का तो वो मेथड भी कर सकते हो, मैं भी डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहा हूँ, हम लोग पी एम बार ही करने वाले हैं एक्चुअली। हाँ फराज, फराज आप राइट बोल रहे हो। जागृति इज सेंड द आंसर, जागृति योर आंसर इज करेक्ट। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं एवरीबॉडी, अभी हम लोग ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकालने जा रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम सबको पता ही है कैसे आएगा, डायरेक्शन रेशियो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इलेवन प्लस टेन लैमडा माइनस टू कॉमा माइनस टू माइनस फोर लैमडा माइनस ऑफ माइनस वन कॉमा माइनस एट माइनस इलेवन लैमडा माइनस फाइव। इलेवन माइनस टू कितना हो जाएगा, नाइन प्लस टेन लैमडा कॉमा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस फोर लैमडा कॉमा माइनस एट माइनस फाइव कितना हो जाएगा, आठ पांच तेरह होता है। ये मेरे को डी आर ऑफ पी एम मिल गया। उसके बाद मैं डी आर ऑफ गिवन लाइन लिख लूंगा, आर बार इक्वल टू इलेवन आई माइनस टू जे माइनस एट के प्लस लैम्बडा टेन आई माइनस फोर जे माइनस इलेवन के। इसमें जो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार रहता है ना, जो बी बार, ये बी बार ही आपका डी आर रहता है। यहां तक समझ में आया सबको, ये जो मैंने डी आर ऑफ गिवन लाइन निकाला वहां तक समझ में आया। पीयू आपको कुछ बोलना है, सर सर पीयू मुझे आपको कुछ बोलना है, स्टेप समझ में नहीं आई। कौन सी स्टेप बताओ ना, इस कौन स्लाइड सा स्टेप, वाली। एक भी स्टेप नहीं समझा इसमें। देखो हम लोग ने एम का कोऑर्डिनेट लिखा, वो समझ में आया पीयू, एम का कोऑर्डिनेट लिखा वो समझ में आया आपको। फिर उसके बाद हम लोग ने पी का कोऑर्डिनेट लिखा, फिर मैंने हाँ डायरेक्ट रेशियो ऑफ पीएम निकाला, क्या एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब इलेवन प्लस टेन लैमडा माइनस टू इधर लिखा, फिर उसके बाद माइनस टू माइनस फोर लैमडा माइनस और माइनस वन यानी कि प्लस वन, फिर उसके बाद जेड टू माइनस जेड वन यानी कि माइनस एट माइनस इलेवन लैमडा माइनस फाइव। ये देखो इधर, अभी समझा पीयू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने ये डायरेक्शन रेशियोज निकाला, उसके बाद मैंने गिवन लाइन का इक्वेशन लिखा और उसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाला, क्लियर ना। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या बोलूंगा एवरीवन, मैं जान रहा हूं मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, पर क्या करूं, फास्ट जाऊंगा तो आपको समझेगा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, देयरफॉर उनके डीआरएस का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो डीआरएस क्या आया मेरे को, एक तो मेरे को नाइन प्लस टेन लैमडा आया और इधर टेन आया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं, तो टेन इंटू नाइन प्लस टेन लैमडा प्लस दूसरा वाला माइनस वन माइनस फोर लैमडा, और यहां पे क्या है माइनस फोर है, माइनस टू माइनस माइनस वन माइनस फोर था ना, फिर उसके बाद प्लस माइनस इलेवन कितना है डी आर माइनस थ्री माइनस माइनस थर्टीन माइनस इलेवन है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, टेन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर माइनस इलेवन को, तो कितना आ जाएगा
बोलो एवरीवन, 10 9s are 90 प्लस 100 लैम्बडा, फिर माइनस 4 अंदर जाएगा तो प्लस 4 प्लस 16 लैम्बडा, फिर माइनस 11 अंदर जाएगा तो माइनस 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143, फिर उसके बाद प्लस 121 लैम्बडा इक्वल टू 0। सब लैम्बडा को एक साथ लेके ऐड कर दो, सारा लैम्बडा एक साथ ऐड होगा कितना आ जाएगा 100 प्लस 16 प्लस 121 कितना हो जाएगा 237 लैम्बडा। फिर उसके बाद ये 90 प्लस 4 प्लस 143 कर दो कितना आ जाएगा 237 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 237 लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 237, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अब आपको लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1 मिल गई है, दैट्स राइट मोनाली। अभी दिखा पूनम, पूनम अभी दिखा आपको, तो लैम्बडा की वैल्यू अगर माइनस 1 आ गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सब्स्टिट्यूटिंग लैम्बडा इक्वल टू माइनस 1 इन एम, एम का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या था स्टूडेंट्स, जो भी एम का कोऑर्डिनेट था अपने पास उसको लिख दो इधर एक बार। तो हमको एम का कोऑर्डिनेट मिला था, एक बार देखना पड़ेगा पीछे से, एम का कोऑर्डिनेट ये देखो इधर, तो इसमें लैम्बडा की वैल्यू डाल दो 11 प्लस 10 इंटू माइनस 1 कॉमा -2 -4 इंटू -1 कॉमा -8 -11 इंटू -1 कितना आ जाएगा ये 11 माइनस 10 कॉमा -2 प्लस 4 कॉमा -8 प्लस 11 कितना हो जाएगा ये 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये आपका एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, मला समझ में आया, यस युश्रा, ओके सोनल, श्वेता, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज नो लिख दो। मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया, आराम से एक्सप्लेन किया विद पेशेंस, पर मैं फिर भी दोबारा 10 बार एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। पूनम आपको क्या नहीं समझ आया, पूनम आपको क्या नहीं समझ में आया प्लीज आप बताओगे, फटाक से बता दो प्लीज, शॉर्ट में रिपीट करना है मुझे, शॉर्ट में रिपीट मैं कर रहा हूँ एवरीबडी प्लीज ध्यान देना। पूनम आपको क्या नहीं समझा आपको बताना पड़ेगा तब मुझे समझेगा कि आपको क्या नहीं समझा। पहले वाला मतलब यही यही पेज ना, यहाँ पे मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा और इक्वेशन ऑफ लाइन में ये लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्बडा सबके पास चले गया, फिर मैंने आई आई वाले टर्म्स को साथ में ले लिया, जे जे वाले टर्म्स को साथ में ले लिया, के वाले टर्म्स को साथ में ले लिया, आप देख सकते हो 11 i और 10 lambda i था तो 11 plus 10 lambda आ गया। फिर मैंने क्या बोला, इधर r को मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दिया, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया रहेगा उनको याद रहेगा कि r एक अननोन वैल्यू होती थी जो कि x कॉमा वाई कॉमा जेड होती थी, तो मैंने x i plus y j plus z के लिख दिया, फिर x i वाले को i वाले से कंपेयर किया तो x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू मुझे मिल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये एक्स वाई जेड तो m है तो m का कोऑर्डिनेट मुझे लैम्बडा के टर्म्स में मिल गया इधर, ओके। अभी ये दिखाई नहीं देने का मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ अभी, 50 बार स्लाइड ही चेंज करते रहता हूँ पूरे लेक्चर में। अभी दिख रहा है पूनम, एक्चुअली आप लोग की भी गलती नहीं है मेरी भी नहीं है, पता नहीं किसकी गलती, ऊपर वाले की गलती है क्या बोलते, ऊपर वाले की भी गलती नहीं है यार। दिख रहा है अभी पूनम, अभी दिखा आपको, और इसमें प्रॉब्लम है कि किसी किसी को नहीं दिखता रहता, जिनका नेटवर्क इशू रहता ना उनको। तो अभी आप क्या निकाल लोगे, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ एम मिल गया है, ये मिल गया, और आपने P से एक परपेंडिकुलर आया था ऐसा लिखा था, तो P का कोऑर्डिनेट 2 कॉमा -1 कॉमा 5 रहेगा। यस यस जागृति, तो आपने P लिख दिया और M तो आपको मिला ही है यहाँ पे अभी जस्ट, तो अब आप P और M के बीच का डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे, x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1 इससे मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM मिल गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन क्या था, 10 कॉमा -4 कॉमा 11, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है। अब मैंने बोला कि PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0, तो 10 इंटू, फिर उसके बाद -4 इंटू, फिर -11 इंटू,
यस यूसर, आप सही बोल रही हो। एक्चुअली तो एक्चुअली कोई कोई ऐसे चेंज नहीं करता। मैं देखा हूँ, जनरली पता किया हूँ इस चीज़ को, पर मैं देखता हूँ कि मैं चेंज करता हूँ, फिर ऊपर रिटर्न आता हूँ स्लाइड में तो आप लोग को दिखने लगता है। तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार, 10 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लैमड़ा की वैल्यू मिल गई -1। अब मैंने लैमड़ा को क्या किया, इधर वन में सब्सटीट्यूट कर दिया, किधर, एम में। ये देखो इधर जो जो लैमड़ा है ना उधर सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मुझे 11 + 10 लैमड़ा, लैमड़ा -1 था, फिर उसके बाद 2 - 4 लैमड़ा, लैमड़ा -1 था, और -8 -11 लैमड़ा, लैमड़ा -1 था। तो इस तरह से मुझे एम का कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 2, 3। समझ में आया अभी सबको? जिसने रिपीट करने बोला था उसको समझ में आया? थोड़ा लेंदी समय आप कैरिड अवे हो सकते हो, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा हैज सेंड द सॉल्यूशन। वाओ क्या ब्यूटीफुली लिखा, एकदम सुपर्ब। ऐसे ही प्लीज बोर्ड एग्जाम में लिखना। चलें नेक्स्ट पे चलें एवरीवन। अभी अपने पास कितना टाइम बचा है, 10 मिनट बचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, 10 मिनट में हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ, एक्चुअली उधर बहुत डर लगता है यार, हाथ कांपते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो आर बार इज इक्वल्स टू 4i - j + λ i + 2j - 3k लिखा है, ठीक है। पहले इसका ना कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। आर बार इज इक्वल्स टू a1 + λ b1। a1 निकाल लो 4i - j, और b1 निकाल लो i + 2j - 3k। और आज ये भी बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। अभी मैं इस पे टिक नहीं कर रहा हूँ फराज, क्योंकि मैं अभी इस पे टिक करूंगा ना मेरे स्लाइड पे भी टिक हो जाएगा और वो फिर हटेगा नहीं। बट देन स्टिल वेरी गुड। इधर साइड में लिख देता हूँ। ओके देखे उधर वो स्लाइड पे भी आ गया। चलो ठीक है, ऐसे लिखो यार, ऐसे बोर्ड एग्जाम लिखो तो अच्छा मार्क्स मिलेगा यार तुम लोगों को। मतलब उसमें कंटेंट तो ऑब्वियसली अच्छा रहना ही चाहिए, पर ये राइटिंग भी अगर आपकी रही ना तो बहुत मजा आ जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन कंसीडर करते हैं। कंसीडर आर बार इज इक्वल्स टू i - j + 2k + μ i + 4j - 5k। तो क्या हो जाएगा, ये आर बार इज इक्वल्स टू a2 bar + λ + μ b2 bar। तो आपको a2 कितना मिल जाएगा i - j + 2k, और b2 कितना मिल जाएगा i + 4j - 5k। यहां तक मैंने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ाई है, सबको समझ में आया यहां तक? बोलो, खाली कंपेयर करके a1 b1 और a2 b2 निकाला है। यहां तक समझ में आया? फटाफट अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, सबको खत्म करना है अपने को। वी हैव 3-4 मिनट्स नाउ। यस चलो, तो a1 bar में एक बार इधर फिर से लिख देता हूं आपके रेफरेंस लिए। 4i - j है, और b1 bar क्या है, i + 2j - 3k है। a2 bar क्या है, i - j + 2k, और b2 bar क्या है, i + 4j - 5k। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बिना मतलब का एक्सप्लेन मोर मत प्रेस करो, आप आके चैट बॉक्स में पूछ लो, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एवरीबॉडी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 × b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 × b2। हो गया श्वेता? वेरी गुड, ठीक है। तो चलो फटाफट, फिर आवाज नहीं आ रही कृष्णा, अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही कृष्णा?
चलो फटाफट ए टू माइनस ए वन कर देते हैं। ए टू माइनस ए वन, कम ऑन एवरी वन, ए टू माइनस ए वन मेरे को डायरेक्टली करके बताओ ना, ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ए टू लिखो माइनस ए वन लिखो फिर माइनस करो, इतना टाइम पास के लिए टाइम नहीं होता बोर्ड एग्जाम में। डायरेक्ट मेरे को ए टू माइनस ए वन का आंसर बताओ। ए टू मतलब आई माइनस फोर आई, तो माइनस थ्री आई हो जाएगा, माइनस जे और माइनस ऑफ माइनस जे तो जीरो जे हो जाएगा, प्लस टू के, ए टू माइनस ए वन आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बी वन क्रॉस बी टू निकाल लेते हैं। गणेश इज देयर एनी डाउट, शुड आई अनम्यूट यू, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, तब मैं अनम्यूट करूंगा। बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू कर लो भाई, आई जे के, बी वन क्या है वन टू माइनस थ्री, डिटर्मिनेंट करना पड़ता है ना क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, वन फोर माइनस फाइव, आई आ जाएगा इधर, टू माइनस थ्री फोर माइनस फाइव, माइनस जे आ जाएगा, वन माइनस थ्री वन माइनस फाइव, फिर प्लस के आ जाएगा, वन टू वन फोर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फाइव टू जर टेन, फोर थ्री जर ट्वेल्व, तो मतलब कितना आ जाएगा, टू आई प्लस इधर वन फाइव जर फाइव और थ्री वन जर थ्री, फाइव माइनस थ्री टू जे, वन फोर जर फोर और वन टू जर टू, फोर माइनस टू कितना आ जाएगा, टू के, तो बी वन बार क्रॉस बी टू बार आ गया, बी वन बार क्रॉस बी टू बार आ गया। अच्छा लगे हाथ इसका मॉड्यूलस भी निकाल लो, मॉड्यूलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू बार निकाल लो, तो कितना आ जाएगा वो, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ चार प्लस चार प्लस चार, रूट ऑफ ट्वेल्व होता है, रूट ऑफ ट्वेल्व को आप क्या लिख सकते हो, फोर इंटू थ्री लिख सकते हो, यानी कि टू रूट थ्री, तो बी वन क्रॉस बी टू का मॉड भी आ गया अपने पास। यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई तकलीफ, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए टू, एवरीवन ध्यान देना, अब हम लोग ए टू माइनस ए वन को, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू जो है इसका डॉट प्रोडक्ट बोला है ना, तो ए टू माइनस ए वन कितना आया अपने पास, थ्री आई प्लस टू के आया है, और बी वन क्रॉस बी टू कितना आया है, टू आई प्लस टू जे प्लस टू के, आई वाले से मल्टीप्लाई, माइनस सिक्स, टू टू जा फोर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए इधर जे जीरो है ना, जे वाला बंदा जीरो है ना इधर, तो इधर जे से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो जे आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर के वाले से मल्टीप्लाई होगा, टू के प्लस के कितना हो जाएगा, फोर, तो कितना आ रहा है ये डॉट प्रोडक्ट, माइनस टू, माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्टेंस डी में सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू कितना है, माइनस टू आया है, अपॉन ये कितना है, टू रूट थ्री आया है, टू टू कट, डी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, अल्टीमेटली डी इज वन अपॉन रूट थ्री, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीवन, वाव वेरी गुड श्वेता, सुपर्ब। ऐसे आप लोग लिखो, ये भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ऐसे अगर आप लोग लिखते हो तो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जागृति ने भेजा हुआ है, कितना अच्छा लिखते हो यार, मतलब नजर ना लगे, ऐसा बोलने का मन कर रहा है मेरे को तो। इसको देख लो एक बार फिर, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। एवरीवन एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन इज हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन, नो, ऑलराइट। सो एवरीवन आई होप आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन बैंक में भी डाल दिया ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में भी है, इसलिए इतना टाइम लेके एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स कैसे देखे हैं उसका मैं आंसर करता हूं। सो हाउ वाज सेशन एवरीवन, वाज इट ओके फॉर यू, नो सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो नाइसली, बाय, टेक केयर, बाय यूसरा, थैंक यू सो मच यूसरा। Everyone, if you have understood everything, then please rate it as a great session. That is very, very important for my motivation. देखो किसी ने अभी पूछा, वैष्णवी प्रीवियस लेक्चर्स देखने का मैं आपको बता रहा हूँ तरीका,
आप जब नून के ऐप पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, और एवरीवन क्वेश्चन बैंक का सेशन ज्वाइन करो, क्वेश्चन बैंक का सेशन सब लोग ज्वाइन करो, 3 बजे से रहता है, 3 PM एवरी डे, 3 PM रहता है क्वेश्चन बैंक का सेशन। थैंक यू पीयू। फीड पे जाओ, नून के ऐप में जब आप आते हो वैष्णवी, तो आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक फीड दिखता है और एक लर्न दिखता है, यस और नो। आपको फीड में ना टीचर का पोस्ट मिलेगा, जैसे मैं नोट्स डालता हूं, मैं अपडेट्स देता हूं, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशंस देता हूं वहां पे, ठीक है, किसी ने डाउट पूछा तो आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो, पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें फीड में होती हैं। लर्न में क्या होता है, लर्न में जब आप क्लिक करोगे ना, ऐसे आपने लर्न पे क्लिक करोगे तो आप उस सेक्शन पे चले जाओगे, लर्न पे आपने क्लिक किया आप उस सेक्शन में चले जाओगे, तो आपको ना चैप्टर्स के नाम दिखेंगे, जैसे पहला चैप्टर आपको लॉजिक दिखेगा, फिर मैट्राइसिस दिखेगा, फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, जो भी सीक्वेंस है। तो मान लो आपको लॉजिक पढ़ना है, तो लॉजिक पे क्लिक करोगे ना, तो एक उधर ही ऐसे ना ऐसे नीचे ऐसे ऐसे ढेर सारा ओपन होता है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके प्लेबैक पे क्लिक करो, वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, समझे? यस एवरीवन, यू कैन लीव द सेशन, जो लोग का सेशन अभी आगे है वो लोग जा सकते हैं। वैष्णवी समझा आपको प्रोसेस? और मैथ का क्वेश्चन बैंक सेशन कल सबको आना है 3 बजे, कोई भी मिस नहीं करेगा। वहां पे क्या दिखाते हैं वैष्णवी? कंपटीशन दिखाते हैं? नहीं, वहां पे बहुत सारा सेशन भी रहेगा। आप ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा, रहता है प्लेबैक रहता है। अभी मैं खुद ही अपने ऐप में देख रहा हूं, अपने ऐप में से देख के आपको सारे स्टेप्स बताया। आप वहां पे ध्यान से देखो, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कल फिर डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है? चलो, आई एल एंड दिस सेशन एवरीवन, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।